दिस इज अनिल क्रिक व्लॉगिंग यूट्यूब चैनल। नेम इसका मैंने चेंज कर दिया है, इन्फो की जगह मैंने व्लॉग कर दिया है, क्योंकि कभी कभार मैं इस चैनल पे जो है व्लॉगिंग भी करता हूँ और क्रिकेट के हवाले से अपडेट्स भी देता हूँ। तो सामीन, आज मैं क्रिकेट के हवाले से कुछ बातचीत करूँगा और इंशाल्लाह अगर जिंदगी रहे तो कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा व्लॉग बनाकर व्लॉग नंबर 4 यहीं पर मैं आप लोगों के साथ अपलोड करूँगा। तो सामीन, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 6th T20 मैच कजाफी स्टेडियम लाहौर। पाकिस्तान की टीम का सूरत हाल कुछ वैसे ही था जो कि पांचवा मैच में था, लेकिन इससे बेहतर सूरत हाल था। पाकिस्तान की टीम ने 170 का एक अच्छा टोटल जो है सेट किया हुआ था। लग रहा था कि इंग्लैंड को एक बार फिर हम जो है रोकेंगे, जिस तरह हमने 5th T20 मैच में को हमने रोका हुआ था, लेकिन इस बार इंग्लैंड की टीम कुछ और माइंडसेट के साथ मैदान में उतरा और आते ही उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया और हमला करके पाकिस्तान का उन्होंने जो है खूब जो है पिटाई की और बड़ी आसानी से इस मैच में जो है कामयाबी इंग्लैंड ने हासिल कर लिया है। और बिल साठ, जिसने इंतहाई शानदार किस्म का इनिंग खेला और 36 गेंदों पर उन्होंने जो है 74-75 रन का इनिंग खेला और सीरीज जो है 3-3 से बराबर हो चुका है। और एक और खुशी की बात यह है कि बाबर आजम का जो है 3000 रन जो है मुकम्मल हो गए हैं T20 कैरियर में और बहुत ही अच्छा हुआ। बाबर आजम ने 3000 रन जो है देश तरीन 3000 रन जो है T20 में भी मुकम्मल कर दिया। कल बाबर आजम ने कैप्टनसी नॉक खेला, 57 रन का इन बेहतरीन किस्म का स्कोर किया जो कि उनको जो है अशद जो है ज़रूरत था। और रिजवान खान के मैच का हिस्सा नहीं थे क्योंकि वो जो है इंजर्ड थे और कल उनकी जगह जो है मोहम्मद हारिस को जो है मौका दिया गया था, लेकिन वो ना चल सके और फिर कहते हैं कि हमें सेलेक्ट नहीं करते हो, हमें मौका नहीं देते। अगर आप लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, आप लोगों को मौका दिया जाता है, तो आप लोग जो है परफॉर्म भी करते, फिर सेलेक्टर्स आपको फिर सेलेक्ट नहीं करते। अगर आप लोग परफॉर्म करोगे, सेलेक्टर्स को अपने आप जो है इम्प्रेस्ड करोगे, तो वो जो है आप लोगों को जो है अगले मैच में जो है इसी तरह का मौका देंगे। लेकिन बहरहाल अब सीरीज जो है काफ़ी अच्छा हो चुका है, 3-3 से बराबर हो चुका है, ट्विस्ट एक पैदा हो चुका है और पाकिस्तान को अब आखिरी मैच जो कल खेला जाना है और अच्छा माइंडसेट के साथ उतरना होगा। टॉस की बात करें तो इंग्लैंड ने फिर जो है टॉस जीता, पाकिस्तान को बैटिंग दिया। इससे पहले मैच में इंग्लैंड ने यही किया था, लेकिन इस बार पाकिस्तान स्कोर अच्छा भी बनाया हुआ था, लेकिन इंग्लैंड बल्लेबाजों ने कुछ अलग सा करके मैच को जितवा दिया और अलग सोच के साथ मैदान में आए थे। तो अब सीरीज 3-3 से बराबर हो चुका है और पाकिस्तान को मैच खेला जाना है, जो भी जीत जाएगा वो सीरीज जो है जीत जाएगा और देखते हैं क्या होता है। और मेरे ख्याल में कल का मैच जो है जॉर्जबटर को भी खेलना चाहिए। जॉर्जबटर तो 6वें मैच से कह रहे थे कि मैं आऊँगा, लेकिन कल भी उन्होंने नहीं खेला और देखते हैं कि आखिरी मैच वो खेल पाते हैं कि नहीं खेल पाते। और वर्ल्ड कप के लिए वो अपने आप को रेस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा मार्क वुड, क्रिस वोक्स और टॉपले अगर ये करके मैच में सब खेलेंगे तो पाकिस्तान के मजीद मुश्किल पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान शायद हो सकता है कि मार्क वुड मैच दोबारा कम्पेयर करा दे। और इसके अलावा नसीम शाह का एक बैड न्यूज़ आ रहा है कि ट्राई सीरीज से भी जो है बाहर हो चुके हैं, जो फिनल में खेला जाना है और वर्ल्ड कप पॉजिटिव हो चुका है। इसके बुमराह का एक बैड न्यूज़ है इंडियन फैंस के लिए कि बुमराह का भी कहा जा रहा है कि वो भी जो है वर्ल्ड कप से भी बाहर हो चुके हैं और उसको बार बार जो है खिला रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी T20 मैच में मौका दिया था, लेकिन परफॉर्म नहीं किया था। परफॉर्म उसी तरह बात करें, 4 ओवर में नहीं था, 4 ओवर में लगभग 50 से ज़्यादा स्कोर दिया था। तो बुमराह आउट ऑफ हो गया वर्ल्ड कप से भी और वो वर्ल्ड कप में नहीं रहेंगे टीम के साथ। सो दिस इज अली क्रिक ब्लॉग यूट्यूब चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। अब तक के लिए इतना ही।